हरिराम गोयनका स्ट्रीट स्थित दिगंबर जैन मंदिर के सामने के रोड पर कुल 10 दिनों से सड़क मरम्मत का काम चल रहा है। साथ ही मकान का नव निर्माण का कार्य भी चालू है, जिसके वजह से पूरे इलाके में धूल मिट्टी बिखरा हुआ है। जगह जगह कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, जिसके कारण इन रास्तों से गुजरने वाले लोगों को आवाजाही करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इलाके के दुकानदारों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। धूल मिट्टी के कारण उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है, जिस वजह से वह बीमार भी पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जा रहा है काफी दिनों से, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? धूल गिरने से परेशानी। अच्छा, आपने कुछ इसके खिलाफ कुछ किया है? कुछ किया नहीं है, हम खाली धूल को चाटने के लिए पानी छीट देते हैं, धूल नहीं उड़ जाता। रास्ता में देखिए, आप खड़ा रहिएगा तो आपको नाक से पानी गिरना शुरू हो जाएगा, इस तरह का धूल गर्द है। यहाँ तक कि कोई ग्राहक इन दुकानों में धूल के कारण नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से उनकी दुकानदारी पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इन सब को लेकर उक्त इलाके के दुकानदारों व वार्ड नंबर 22 की तृणमूल कांग्रेस जय हिंद वाहिनी के सभापति विनय कुमार मिश्रा व आलोक कुमार पांडे ने पोस्ता पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम जो है ये तो लगभग कई महीनों से चल रहा है, लेकिन जो मिट्टी की खुदाई हो रही है और खुदाई होने के बाद जो मिट्टी को बाहर निकाला जा रहा है वो क्रम जो है वो पिछले 10 दिनों से चल रहा है। उससे जो है लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रोड पे जो जितने धूल है, रोड पे जितने भी रोड के बगल में जो जितने दुकानदार हैं उनको काफ़ी हद तक जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी परेशानी से जूझने के लिए हम वार्ड काउंसिलर को चेतावनी देते हैं, ये चेतावनी भी है, एक हस्ताक्षर अभियान हम करा रहे हैं। इस अभियान से जो है हम वार्ड काउंसिलर को बता रहे हैं कि यहाँ की जो गंदगी है इसको देखें, जितना जल्दी हो सके इसका निवारण करें। इन लोगों का कहना है कि प्रशासन इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं कर रही है, जिस वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। यहाँ सुबह में चाय पीने आया, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो धूल वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो उनसे सिर्फ मैं ही नहीं और यहाँ रहने वाले ही नहीं, आने जाने वाले लोग भी बोलते हैं कि आप लोग कंप्लेन करिए, आप लोग इसके बारे में विचार करिए। तो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो लोग बात किए काउंसिलर से, बोले कि इस पर जो है विचार विमर्श किया जाए, लेकिन काउंसिलर के पास इतना फुर्सत ही नहीं है, शायद वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हों।